मैग्नेटिक फील्ड में नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं फिर। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड किया था, ठीक है। अब ऐसे देखो कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग है तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो क्या ऐसे बोल सकते हैं सिमिलरली कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर होगा, अ वायर कैरिंग करंट विच इज केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, विच इज सिमिलर सेम लॉ विच इज एक्टिंग फॉर चार्ज पार्टिकल, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का मोशन और वायर करंट कैरिंग वायर दोनों की सिचुएशन सेम ही है। वायर के अंदर करंट तभी है जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूविंग है, तो फोर्स का एक्सप्रेशन भी ऑलमोस्ट सेम आएगा, उसी से इनफैक्ट हम लोग निकालेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो इसमें, नेक्स्ट हेडिंग इज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये बात भी पहले हो चुकी है कि कोई भी वायर अगर है, वायर में अगर आई करंट है और उस वायर का अगर हम कोई एक एलिमेंट डीएल एलिमेंट ले रहे हैं, तो दिस इज सेम एज जैसे कि डीक्यू चार्ज है और वो डीक्यू चार्ज है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमको मालूम है क्या रिप्लेसमेंट हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज का एक्सप्रेशन क्या आएगा। अब हमने इसको डी क्यू कर दिया है तो उसको भी डी एफ लिख देते हैं, तो डी एफ की वैल्यू हो जाएगा डी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, बोलो। तो ऐसे बोल सकते हैं सिमिलरली हम डी क्यू इंटू वी को किससे रिप्लेस करते हैं, पहले भी किया हुआ है ना, तो डी क्यू इंटू वी को हम लोग आई इंटू डी एल वैक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। हम लोगों ने पहले बायोट सेवर्ट लॉ को चार्ज पार्टिकल के लिए कन्वर्ट किया था इस कन्वर्जन से, अब यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन करंट, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल को कन्वर्ट कर रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर में, मतलब मूविंग चार्ज एंड करंट कैरिंग वायर दोनों सेम ही है। तो यहाँ से हमको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो आ जाएगा डी एफ इज इक्वल टू आई इंटू डी एल क्रॉस बी, तो ये एक्सप्रेशन है जिसपे हमको अभी आगे डिस्कशन करना है। डी एफ इज सिंपली, डी एफ इज अगेन फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा लिया हम लोगों ने डी एल एलिमेंट। अगर हमें पूरे वायर पे फोर्स निकालना होगा तो हम इस फोर्स को फिर इंटीग्रेट करेंगे, ये जो फोर्स लिखा हुआ है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक है। डी एल इज डिफरेंशियल एलिमेंट कैरिंग करंट आई, ठीक है। और नीचे लिख देंगे टू कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ वायर वी नीड टू इंटीग्रेट ऑल दी डी एफ, ठीक है ना। अब देखो डी एफ यानी कि फोर्स, फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे तो इस बात को तो ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे ही कि वो सेम डायरेक्शन में है या नहीं है, सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे तो उनके हम कॉम्पोनेंट इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। बट ये तो लिख ही सकते हैं कि एफ नेट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई इंटू डी एल क्रॉस बी, ठीक है। देखो यहां तक कोई डाउट है तो,
सेम वही फॉर्मूला है जिसको हमने वायर के लिए कन्वर्ट कर लिया है। और सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन से लेके। अब ये तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी में हम लोग फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते थे, तो उसमें जो मोस्ट पॉपुलर वे है वो है राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल में हम लोग फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो आउटवर्ड पाम का डायरेक्शन है ये बन जाता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है वही करंट का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर नहीं पड़ेगा, यहाँ सिंपली थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। अभी भी फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी। ठीक है, अब इस बार थंब पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन था, तो अब यहाँ पे थंब जो है वो करंट का डायरेक्शन या डीएल वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। एलिमेंट के ऊपर करंट का डायरेक्शन और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन सेम ही आएगा, तो थंब हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो आउटवर्ड पाम का डायरेक्शन है ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो नीचे ये फर्स्ट पॉइंट में यही लिख देंगे, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाउंड यूजिंग यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। आगे लिख देंगे दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर। और नीचे लिख देंगे ऑल्टरनेटली वी कैन अप्लाई राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल हम लोगों ने पहले भी लगाया ही था। ठीक है, तो फिर से वही डायग्राम चाहो तो बना लो, बस इस बार फर्क ये रहेगा कि पहले जिसको हम लोगों ने थंब का केवल चेंज हो जाएगा। थंब को हम लोगों ने पहले वेलोसिटी लिखा था चार्ज पार्टिकल का, अब ये जो थंब का डायरेक्शन है इसको लिख देंगे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट और डीएल वेक्टर। सेम वही फॉर्मूला है इसलिए सेम वही तरीका है। ठीक है ना, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, आउटवर्ड पाम इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, देन सेकेंड पॉइंट में अब देखो ऑब्वियसली ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है इसको इंटीग्रेट करने में हमें ध्यान रखना होगा कि डीएल वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल कैसे चेंज हो रहा है, या एंगल चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डीएल चेंज हो रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मतलब कहने का है कि इसके बहुत सारे केस बनेंगे। ठीक है, बट अगर हम उसमें से एक पर्टिकुलर सेगमेंट लें जिसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 90% केस में मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट ही हो, यूनिफॉर्म हो। तो इफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, तो देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, वेक्टर इंटीग्रेशन में पढ़ोगे, वो वेक्टर इंटीग्रेशन अभी नहीं है 12th के सिलेबस में, वो आगे पढ़ोगे इंजीनियरिंग में, बस फिलहाल यहाँ पे तुम ध्यान रखना उसकी एक प्रॉपर्टी है जो नॉर्मल इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है। अब देखो ये तो बोल सकते हैं ना कि अगर करंट कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, क्यों भाई? तो उसी तरह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अगर कांस्टेंट है तो ये भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब क्योंकि ये डीएल क्रॉस बी है तो अब ये तो कर नहीं सकते कि इसको बाहर इधर ले आए, बी क्रॉस डीएल बना दें, लिखेंगे तो डीएल क्रॉस बी। तो वेक्टर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ये जो इंटीग्रेशन का साइन पूरे एक्सप्रेशन पे लगा हुआ है, अगर आई और बी कांस्टेंट हैं तो ये पूरे से हट के सिर्फ डीएल के ऊपर लग जाएगा।
कहने का मतलब इंटीग्रेट सिर्फ डीएल होगा, ठीक है ना। तो एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी आई ब्रैकेट इंटीग्रल डीएल वेक्टर एंड क्रॉस बी, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंटीग्रेशन के बाहर है, बाहर है, राइट साइड से बाहर है। यूजिंग वेक्टर इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमें यहां पे ये बात समझनी है कि इंटीग्रल डीएल वेक्टर का क्या मतलब होता है। तो ये भी मैंने शायद कहीं ना कहीं आया था, अगर लिखा हुआ है सिंपली इंटीग्रल डीएल तो इसका मतलब होता है दिस इज स्केलर सम ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं दिस इज टोटल लेंथ ऑफ ऑल दी डिफरेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है ना। एक तरह से इसको हम लोग पाथ लेंथ बोल सकते हैं, पाथ लेंथ मतलब जैसे कि डिस्टेंस, अगर केवल इंटीग्रल डीएल है। लेकिन अगर लिखा हुआ है इंटीग्रल डीएल वेक्टर तो इसका मतलब ये बनेगा इट इज अ वेक्टर joining starting and end points of wire, ऐसे बोल सकते हैं this is similar to displacement, मतलब समझना समझा रहा हूं मैं। जैसे कोई वायर है और वो वायर इस तरह का है, ये एक वायर है वायर ए बी, और इस वायर ए बी में करंट आई फ्लो कर रहा है और हमको ये निकालना है कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रॉपर्टी ये है कि वो जो इंटीग्रेशन पूरे एक्सप्रेशन पे था वो पूरे एक्सप्रेशन से हटके सिर्फ डीएल पे लग जाएगा। सिर्फ डीएल पे लगने का मतलब ये हुआ कि अब हमें डीएल वेक्टर्स को ऐड करना है। तो डीएल वेक्टर्स को ऐड करने का मतलब ये हुआ कि हम इस वायर को ऐसे इमेजिन करो कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे और हर एक एलिमेंट एक छोटा वेक्टर बनेगा। देखो तो ये बताओ कि अगर मैं ये सारे छोटे छोटे एरो ऐड करूं तो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर एडिशन करूं मैं इसका तो एक तरह से क्या पॉलीगन लॉ बनेगा, पॉलीगन लॉ। और पॉलीगन लॉ में हम लोग ये बोलते हैं कि यहां से लेके यहां तक का जो ये वाला वेक्टर होगा दिस वेक्टर इज इंटीग्रल डीएल वेक्टर, लेकिन ये जो लेंथ है ये वाला वेक्टर बनेगा। मतलब अगर हम ये लेंथ ऐड करें तो इंटीग्रल डीएल आएगा, और अगर इंटीग्रल डीएल वेक्टर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का फाइनल वेक्टर। ये बात समझ में आई या नहीं पहले बताओ। यस सर। तो इस इंटीग्रल डीएल को हम लोग कई बार एल ए बी वेक्टर भी लिख देते हैं। तो यहां से ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू आई ब्रैकेट एल ए बी क्रॉस बी, ठीक है। अब एल ए बी कौन सा वेक्टर है, तो एल ए बी वो वेक्टर है जो ए और बी को ज्वाइन करने से मिला है, और एल ए बी जो वेक्टर होगा क्या हमेशा स्ट्रेट ही होगा। तो यहाँ पे एक खास बात ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो कैसा भी वायर हो, आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी वायर हो, हमें सिंपली वायर के दोनों एंड्स को ज्वाइन कर देना है, और ज्वाइन करने के बाद उस स्ट्रेट वायर पे जो फोर्स होगा वही उस आड़े तिरछे वायर पे भी फोर्स होगा, क्योंकि इन सारे एलिमेंट्स का सम तो ये स्ट्रेट वाला वायर ही निकल के आ रहा है ना। कहने का मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का वायर है हमें उसके दोनों एंड्स ज्वाइन कर देने हैं, बट ऐसा हम कब कर पाएंगे, तब कर तभी पाएंगे जब बी यूनिफॉर्म होगा। तो ये मत भूलना बस ये है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं ये एक वायर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आई करंट है पॉइंट ए पॉइंट बी, और ये वाली जो लेंथ है ये टू आर है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो बताओगे इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा और किधर लगेगा, व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर, दिस आर्बिट्रेरी शेप्ड वायर।
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इस वायर को हम कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक स्ट्रेट वायर में। तो ये एक स्ट्रेट वायर हो गया, और इस स्ट्रेट वायर की जो लेंथ है, इसकी लेंथ हो जाएगी 2R, और इसमें करंट किधर है, करंट इधर की तरफ है। तो अब ये देखो, अगर हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाएं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू IBIL साइन थीटा हो जाएगा। क्यों भाई, थीटा कौन सा एंगल होगा, तो थीटा होगा एंगल बिटवीन LAB वेक्टर एंड B वेक्टर, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है। तो ये एक तरह से केवल मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड अगर हम अप्लाई करें तो लेंथ देखोगे तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो 90 डिग्री हो गया। तो फोर्स इसके ऊपर जो आएगा वो सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज IBL या BIL जो भी बोलना चाहो, और डायरेक्शन किधर की तरफ आएगा, तो वैल्यू इसकी हो जाएगी 2IBR, और डायरेक्शन ऊपर की तरफ। डायरेक्शन कैसे निकाला ये भी देख लेना ध्यान से, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट और लेंथ वेक्टर, तो इस तरह से लगेगा तो वो अपने आप ऊपर की तरफ आ जाएगा। वायर अगर इस तरह से है, सपोज ये वायर है, वायर ए बी, आई करंट है, लेंथ है, और ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, एंड सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर एंड डायरेक्शन। ए बी स्ट्रेट वायर है, एल लेंथ का, एंगल 30 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो वायर के ऊपर फोर्स कितना लगेगा और किधर लगेगा, BIL sin 30 इनसाइड। BIL sin 30 लगेगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमको दिख रहा है आई सॉरी एल और बी के बीच में एंगल 30 डिग्री है। और डायरेक्शन कैसे लगाएंगे, तो डायरेक्शन इस तरह से लगाएंगे, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर, तो अंदर की तरफ आएगा, ये फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगा। देखो तो है बहुत सिंपल फॉर्मूला, 90% केस में तो हो सकता है कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ही होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो BIL sin थीटा इज द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैं से बोल सकते हैं ये बात इसी पॉइंट में, इफ इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ वायर, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ वायर। मतलब ये एक वायर है, सपोज वायर ए बी, आई करंट, ये लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। ठीक है, इसी तरह से ये एक वायर है, आई करंट, ए और बी के बीच का डिस्टेंस एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, और अगर ये एक वायर है, आई करंट, ए और बी के बीच का डिस्टेंस एल है और मैग्नेटिक फील्ड, कैसे बोल सकते हैं कि इन तीनों ही केसेस में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेम ही लगेगा। इन तीनों केसेस में मैग्नेटिक फोर्स सेम आएगा। ठीक है, यस सर, यस सर।
देन ये तो था सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट यहाँ पे एक और है. थर्ड पॉइंट में लिखेंगे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स. फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स मतलब दो वायर हैं, लॉन्ग वायर्स लिए हैं मैंने, ठीक है, करंट उसमें आई वन एंड आई टू, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है डी, ठीक है. तो इनके बीच में भी कुछ फोर्स लगेगा. फोर्स इसलिए लगेगा क्योंकि एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वाला वायर रखा हुआ है. ये ठीक वैसे ही है जैसे दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स है. तो हम इस फोर्स को निकालने चाह रहे हैं क्योंकि अब हमको मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर मालूम है. तो देखो कैसे निकालेंगे. एक काम करते हैं, वायर टू की विसिनिटी में एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पी, और पॉइंट पी पे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वन. मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू करंट इन वायर वन, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोल देते हैं बी पी वन. तो बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. तो लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी, याद है ना फॉर्मूला. और डायरेक्शन किधर होगा इसका. अब इसका डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं. थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स को पी पॉइंट से पास करो. तो किधर बता रही है डायरेक्शन, इनसाइड या आउटसाइड. दो ही पॉसिबिलिटी है, ये इनसाइड आएगा. देखो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू करंट इन वायर वन, आई वन की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड. अब दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक एलिमेंट लेंगे देखो, और ये एलिमेंट हम लोग लेंगे डीएल वायर टू के ऊपर. तो नेक्स्ट लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन डिफरेंशियल एलिमेंट डीएल टेकन ऑन वायर टू. तो पहले बताओगे कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, और थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो मैग्नेटिक फोर्स तुम ध्यान से देखो क्या लेफ्ट में आ रहा है. yes, बताओ डीएफ, और इस डीएफ की वैल्यू क्या होगी. डीएल और बी के बीच में कितना एंगल है. तो डीएल और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. तो डीएफ का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये होगा आई इंटू बी इंटू एल. देखो आई बी एल आएगा और साइन 90. तो यहां से डीएफ ना निकाल के हम लोग निकालते हैं डीएफ अपॉन डीएल. डीएल इधर ले आते हैं. तो डीएफ अपॉन डीएल की वैल्यू आती है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी. और ये एक एक्सप्रेशन है जो हमें ध्यान रखना है. दिस इज फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, पैरेलल करंट कैरिंग वायर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस डी. ध्यान रखना कि ये जो एक्सप्रेशन है ये टोटल फोर्स एक्टिंग नहीं है, क्योंकि टोटल फोर्स एक्टिंग तो इनफाइनाइट होगा ना भाई. किसी भी वायर पे दूसरे वायर की वजह से टोटल फोर्स अगर बोलेंगे तो इनफाइनाइट होगा. तो टोटल तो कभी निकाल ही नहीं सकते. क्वेश्चन में हमेशा कहेगा कि 1 मीटर लेंथ है, 2 मीटर लेंथ है, या पर यूनिट लेंथ है. तो हमें ये डी एफ अपॉन डी एल याद रखना है. तो दिस इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना. और इसका यूनिट भी जो है वो न्यूटन पर मीटर होगा. तो उसमें कहीं गलती ना हो जाए. फोर्स का एक्सप्रेशन नहीं है ये, न्यूटन पर मीटर होगा ये, ठीक है. अब अगर कहेगा कि एल लेंथ में चाहिए तो एल लेंथ इसमें मल्टीप्लाई कर देना. नीचे लिख देना कि दिस फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इफ दे कैरी करंट इन सेम डायरेक्शन, करंट्स इन सेम डायरेक्शन,
or else it will be repulsive. करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सिव है, करंट्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्टिव है. ये एक छोटी सी बात और ध्यान रखना. हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया वो सेम डायरेक्शन के करंट लेके निकाला, तो तुम ध्यान से देखो इस डीएल के ऊपर डीएफ इधर आ रहा है. अपने आप ट्राई करके देख लो, अगर हम आई टू की वजह से यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें क्यू और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो आई टू की वजह से क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तुम चेक करो तो क्या बाहर की तरफ आएगा, और वहां पे अगर हम एलिमेंट लेंगे डीएल तो इस डीएल के ऊपर तुम डीएफ निकालोगे तो इधर की तरफ आएगा. तो वो किसी भी एलिमेंट पे निकाल लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अट्रैक्टिव है तो दोनों के ऊपर अट्रैक्टिव डायरेक्शन में ही आएगा. तो सेम डायरेक्शन में करंट्स हैं इसलिए अट्रैक्टिव है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट्स होते तो यही फोर्स रिपल्सिव हो जाता. ठीक है. और इसी फॉर्मूले से रिलेटेड खास बात है, आपको मालूम है कि एम्पियर जो है, क्या एम्पियर वन ऑफ द सेवन फंडामेंटल यूनिट्स में से है, और हर एक फंडामेंटल यूनिट का एक प्रॉपर डेफिनेशन है. मतलब जैसे मीटर का डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, वन मीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन अपॉन 299768 एंड जो भी आगे फिगर्स हैं, उतने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है लाइट, दैट इज इक्वल टू वन मीटर. तो बेसिकली जैसे वन मीटर का जो डेफिनेशन है वो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड है, ऐसे ही जो सेकंड का डेफिनेशन है वो ट्रांजिशन से रिलेटेड है सीजियम में, किलोग्राम का डेफिनेशन है वो एक प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर है उससे कंपेयर करते हैं. तो सिमिलरली एम्पियर का जो डेफिनेशन है वो हम इस ऊपर वाले फोर्स से रिलेट करते हैं, और वन एम्पियर का डेफिनेशन इस तरह से है कि अगर हमने दो वायर्स लिए हैं जिनको हमने वन मीटर सेपरेशन पे रखा है, ठीक है, सच दैट उनके करंट्स सेम है, और उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, देन ईच वायर कैरी करंट विल कैरी करंट 1 एम्पियर. ठीक है ना. देन I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर. स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना. When two wires having same current and kept at a separation of 1 meter experience a force per unit length 2 × 10⁻⁷ newton per meter, then current in each wire is equal to 1 ampere. So this is definition of 1 ampere. ध्यान रखो कहीं बोर्ड वोर्ड में पूछ सकता है. ठीक है. यस सर. देखते हैं, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं अभी. सपोज हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है हैविंग करंट I1, और एक हमारे पास स्क्वायर लूप है कैरिंग करंट I2. देखो ध्यान से, और ये वाला डिस्टेंस A है. तो हमें निकालना है, फाइंड A पार्ट में नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वायर लूप, और बी पार्ट में मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन सेगमेंट BC ऑफ लूप ड्यू टू
इनफाइनाइट वायर, दो चीजें निकालनी है, एक तो उसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है और एक हमको निकालना है सिर्फ बीसी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। Yes. देखो इस वायर की वजह से I1 की वजह से हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा। हाँ अब ये है कि पास में ज्यादा होगा और दूर थोड़ा कम होगा डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से। तो अगर तुम सिर्फ इस वायर पे फोर्स निकालोगे राइट हैंड पाम रूल लगा के, तो इसके ऊपर फोर्स इधर आएगा, इसके ऊपर निकालोगे तो इसके ऊपर इधर आएगा, इसके ऊपर इधर आएगा और इसके ऊपर इधर आएगा। तो हमें एक तरह से इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर इसके ऊपर आ रहा है लेट से F1, इसके ऊपर इधर लिखेंगे F2, इसके ऊपर इधर लिखेंगे F3 और इसके ऊपर इधर लिखेंगे F4। बट इसमें इस केस में क्या है, अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो हमें ये F1, F2, F3, F4 चारों निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि F2 और F4 तो इक्वली आएंगे। जैसा वेरिएशन B से C है वैसे ही वेरिएशन A से D है, इसलिए तो एक तरह से एफ नेट की जो वैल्यू है वो एफ वन माइनस एफ थ्री बनेगी। ठीक है, अब एफ वन कितना होगा, तो एफ वन हमें केवल ए लेंथ पे फोर्स देखना है, सॉरी एल लेंथ पे, और डिस्टेंस उसका ए है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई ए, और हमें लेंथ लेना है एल, माइनस म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई, अब उसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा ए प्लस एल और इंटू एल, तो ये हो जाएगा एफ नेट। लेकिन बी पार्ट के लिए क्या करना होगा, अगर हमें सिर्फ बी सी पे ही निकालना है तो ध्यान से समझना, सिर्फ बी सी पे निकालने के लिए बी से लेके सी तक डिस्टेंस क्योंकि चेंज हो रहा है, तो हमें यहाँ से फिर इस पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हम लोग डी एक्स विड्थ का एक एलिमेंट लेंगे, देखो ध्यान से, और उस एलिमेंट पे लगने वाला जो डीएफ फोर्स होगा वो इधर की तरफ आएगा। तो इस डीएफ का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, केवल एलिमेंट की वजह से, तो उसको लिखेंगे बी आई एल, तो बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई एक्स, ये हो गया बी, आई की जगह आई टू और एल की जगह डी एक्स। तो यहाँ से डीएफ की वैल्यू लिखेंगे, ये होगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स, और एक्स की लिमिट्स हो जाएंगी एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू ए प्लस एल। कर लिया होगा ये? Yes, sir. एक क्वेश्चन और नोट कर लो, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन कॉपी कर लो, कर लेना, फिर नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे डिस्कस इसको। आज वाले लेक्चर में यहीं तक रखते हैं।